हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई सुबह सुबह है ना, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और अभी नितिन गाड़ी निकल रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं साइबर कैफे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है। नासिक में रेंज नहीं आ रही है, नासिक में नेटवर्क नहीं आ रहा है। घर पे ना मेरा ब्लॉग 15 मिनट में अपलोड हो जाता है, यहाँ पे मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मेरा ब्लॉग आगे ही नहीं बढ़ रहा है। देखो भाई, एक ब्लॉगर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एक ब्लॉग अपलोड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में ना भाई कैफे में जाके मेरा ब्लॉग अपलोड करूंगा आज। भाई फाइनली हमारा ब्लॉग अपलोड हो चुका है, किसी कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। हमारा ब्लॉग हुआ है विजय सचिन कुल्फी शॉप के पास अपलोड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5G की इंटरनेट आ गई थी तो हमने यहीं पे अपलोड कर दिया। अभी घर जाते हैं, नहाते हैं और हमें निकलना है त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, ठीक है, महादेव भगवान के। चलो भाई अभी घर जाते हैं। हेवी ड्राइवर नितिन। लो भाई पहुंच गए हम लोग सक्सेसफुली, हमारा ब्लॉग अपलोड हो चुका है। एंड क्या फीलिंग है भाई, मस्त लगा। चिंकू पिंकू चलो रेडी हो गए सब लोग, निकलते हैं अभी हम लोग। चलो भाई अभी टीवी पे ब्लॉग देखेंगे हम लोग। सब्सक्राइबर साले दे दे थम तीन। ये हमारा ब्लॉग आ गया। एक्साइटमेंट देखो इसकी, एक्साइटमेंट बीबी को देखने के लिए सब आ रहा है। देख ये देखो भाई, पूरी फैमिली आ गई अभी वीडियो देखने के लिए। अबे हटना उधर, गेंडे की तरह सोया हुआ है इधर। बाहर कचरे की गाड़ी आ रही है, नितिन को निकालो बाहर। घर से कचरा निकालो, इसको बाहर निकालो। नितिन नितिन को बाहर निकालो कचरा। एंडिंग का सीन बहुत सही है। चलो भाई, तो भाई अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं नासिक में, ठीक। चलो देव बाय बाय, रेशमा बाय बाय, मामी बाय बाय, मामी बाय, या बोला बोला या नागपुर लग्न लेवर का सगळे लवकर। सुनील की शादी में ना रेशमा डांस करने वाली है, देव भी डांस करने वाला है। चलो बैठ जाओ, चला रेशमी देव मामी बाय बाय। घुटने का ध्यान रखना। ओके डन दादू, दिमाग खराब नहीं होना। तेरा भी। तो भाई अभी हम लोग निकले ही थे हमारे मामी जी के घर से, तो हम चीजें भूल गए वहाँ पे, हमारे जो अंतर्वस्त्र है वो भूल गए मेरे खुद के। थैंक यू। तो भाई यहाँ पे पार्किंग का टिकट लेना पड़ रहा है, तो हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर। फिर से एक टिकट है भाई, ये पार्किंग से नहीं का, ये नगर पालिका एंट्री है। पार्किंग दो दो टिकट निकालनी पड़ी। चलो जब मैं कॉलेज में था ना इधर नासिक में, तो हम हर बारिश के सीजन में आते थे त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे प्रसादालय है शायद, होटल छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकोबा महाराज। गन्ने का जूस हो जाए दोस्तों, क्योंकि नितिन का व्रत है, हम सब तो खा के आ गए घर से, इसने कुछ खाया नहीं है। चीयर्स गाइस। ये लोग तो पीछे रह गए, आगे निकल गया। ये देखो कितने सारे मोर पंख है, वाओ। चलो हम टीका लगा लेते हैं। ब्रो अवैनीश, नितिन का तो आज व्रत भी है।
ओम नमः शिवाय त्रिशूल पूरा लाओ तो चलो भाई एक घंटे में हमारे दर्शन हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पानी वानी ले लो भाई अंदर लगेगा अपने को। फ्री में चल रहे बिस्किट भी लेके जाते थोड़े से। बिस्किट चाहिए? चक्कर आएगा किसी को तो। अंदर है ना दर्शन के लिए टाइम लग सकता है तो ना पानी और बिस्किट वगैरह भी दे देते हैं वो लोग किसी को चक्कर ना आ जाए। बहुत भीड़ है भाई। मंदिर के अंदर आ गए और आधे घंटे के लिए मंदिर बंद हो गया। किसको खाना पड़ेगा? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर से वेटिंग करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा भीड़ है। नितिन क्या लगता है कितना टाइम लगेगा हमें दर्शन करने के लिए? चार बज जाएंगे। अभी तो चार तो बज गए भाई। और एक घंटा लगेगा। और एक घंटा आराम से। नितिन को मैंने चैलेंज दिया था एक सब्सक्राइबर बढ़ा के दिखाओ। नितिन ने बढ़ा के दिखा दिया भाई। नितिन को मैंने डेयर दिया कि एक सब्सक्राइबर बढ़ा के दिखा। नितिन ने उस आदमी से दोस्ती की मुझसे ब्लॉगिंग करवाई एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिया। ग्रेट सक्सेस। पहला क्वेश्चन क्या भी पूछा उन्होंने कितने मिलियन सब्सक्राइबर उसमें इज्जत ले ली। फाइनली भाई हम एंटर कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में। लगभग 4 घंटे वेट करने के बाद है ना हम मंदिर के अंदर जा पा रहे हैं। बहुत टाइम लगता है इधर दर्शन करने के लिए। नितिन आज तो मेरा उपवास है और उपवास मेरे को आज 5 बजे टिकट बुकिंग होते का भगवान का दर्शन भी हो गया। चलो भाई अभी अंदर जाते हैं। अभी पता नहीं अंदर शूटिंग अलाउड है या नहीं तो दर्शन करके आते हैं अभी। तो गाइस फाइनली हम अभी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और काफी अच्छा लगा भाई। प्रसन्न हुआ मैं। 3 से 3.5 घंटे हमें लगे दर्शन के लिए। वाव कितना सुंदर मंदिर है यार। पायल कैसा लगा दर्शन करके? वाव कितना सुंदर मंदिर है यार। मतलब जो 4-5 घंटे हमने वेट किया ना उसकी सारी थकान हमारी निकल गई दर्शन करके। तो भाई फाइनली दर्शन तो हो गए। अभी एक फोटो निकालते हैं और फिर घर निकल जाते हैं। नितिन को बहुत भूख लगी। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर हर महादेव। चलो भैया अभी बाहर निकलते हैं। नितिन को कुछ खाने के लिए देते हैं और फिर हम लोग जाएंगे घर। सुनील ने माला दे दी है। नितिन ने भी ले ली। नितिन तूने कौन सी ली माला? ओरिजिनल है पर डुप्लीकेट है नहीं पता बट ले लिया। रुद्राक्ष की है क्या? 108 मैं अभी माला जपने वाला हूँ। मैं वो क्या भक्षक बोला था तुमने? कर प्राण भक्षी में छोड़ देने वाला हूँ। महाराष्ट्र के जितने भी ज्योतिर्लिंग थे उतने सब हो गए। भीमाशंकर का आया। हाँ एक रह गया थे। महाद्वार यहाँ से था पर हम उधर साइड से गए। मतलब पूरब की तरफ से दर्शन किया हमने। और भाई कितने मंडप थे? 5-6 मंडप हमको क्रॉस करके जाना पड़ा। 4 से 5 घंटे लग गए हमें। और बीच में क्या हो गया? आरती भी शुरू हो गई ना भगवान की तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला गया हमारा। नहीं तो और जल्दी हो जाते थे दर्शन। नितिन क्या रह गया इनका? तू चप्पल लाता है क्या? तब तक जा फिर। और नितिन का व्रत है तो हमने चने ले लिए थे थोड़े से। खाना भाई। और ये लेडीज़ लोग कहीं पर भी लेके जाओ इनको। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग।
चलो भाई जब तक ये सुनील और पायल कुछ खरीदी करके आते हैं, मैं तब तक गाड़ी निकाल के रखता हूँ। कार तो धूप में तल गई होगी हमारी। चलो गाइज बाहर जाके चाय पियेंगे। लेट्स गेट इन गाइज। 26.2 का एवरेज दिया है। और नितिन कल गाड़ी चला रहा था ना, नितिन का एवरेज कितना दे रहे थे पता? गाड़ी 14 का एवरेज दे रहे थे। 12 से एवरेज होता। गाड़ी किती किलोमीटर चालवली होती? 32 किलोमीटर च्या एवरेज मध्ये 4 किलोमीटर। 28.12। फाइनली चाय के बदले हम खाना खाने के लिए रुक गए हैं। एक घंटा हो गया हमरा होटल ढूंढ रहे। अच्छा एक घंटे से हम है ना होटल ढूंढ रहे थे। नासिक से बाहर निकल गए हम लोग और होटल ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली अब जाके एक अच्छा डिसेंट सा होटल मिला है जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। यू ओ लेट्स हैव खाकरा। मैंने अभी ऑर्डर किया लेकिन रात को मसाला। जहाँ पे डेकोरेशन दिखा वहाँ पे फोटो निकालने से। खाना वाना हो गया। इतना तीखा था ना भाई, दो सब्जियाँ तो इतनी तीखी थी नाक से पानी निकल आया मेरे। हाँ मुँह जल रहा है पूरा। चलो अभी घर निकलते हैं सीधा। भाई हम इतने सुनसान रास्ते से जा रहे हैं ना, मतलब पीछे हनुमान चालीसा है बैकग्राउंड में और अभी रात के 10-11 बज रहे हैं। देखो कितना सुनसान रास्ता है, पूरा जंगल ही जंगल है। अपना लाइट बंद करना। अरे यो नहीं भाई अवगड़े बस सुनील सुनील। तो भाई फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। चिंकू पिंकू के दर्शन हो गए। फाइनली घर पहुंच गए हैं हम लोग। दो दिनों बाद तो अच्छा रहा हमारा ट्रैवलिंग, सेफली घर आ गए। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। But if I lay down and I play dead and I stay dead